हेलो माय डियर स्टूडेंट्स रेडी फॉर ए न्यू डिस्कशन बेटा वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड वी हैव आल्सो लर्नड इन दैट चैप्टर दैट मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन थ्री स्टेजेस गैस लिक्विड एंड सोलिड ठीक है ना पानी तीन अलग अलग रूपों के अंदर होता है हमने किया था इवापोरेशन की प्रोसेस के अंदर वो ऊपर जाता है कंडेंसेशन होता है फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन बेटा वो फिर धरातल पर आ गिरता है है ना तो हमने इसने पूरा देखा था कि उसका जो मूवमेंट है या उसका जो यात्रा है वो नीचे से शुरू हुई और वापस ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे ही आकर रुक गया मतलब ख़त्म हो गई तो हमने उसके अंदर जो आपका वोटर जो प्रोसेस या मूवमेंट जो पढ़ा था वो एटमोसफेयर के अंदर किया था अब हमें जो करना है इस चैप्टर में बेटा वो है मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वोटर कि उसी प्रकार से आपका महासागरीय जल जो है इसके अंदर भी मूवमेंट होती है तो हमारा आज का जो टॉपिक है ठीक है ना मतलब हम ये कह सकते हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोमेंट्स ऑफ ओशन वाटर महासागरीय जल संचलन महासागरों का जल जो है बेटा वो स्थिर नहीं है मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो शांत है ठीक है ना द ओशन वाटर इज़ नेवर स्टेटिक बट कीप्स ऑन मूविंग हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली वो दोनों तरह से गतियाँ करते हैं गति करते हैं मतलब छैतीस भी और ऊर्ध्वाधर भी छैतीस का मतलब ऐसे और उध्वर दर का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ तो दोनों ही उसके अंदर मूवमेंट होती हैं ठीक है अब देखिए वो कौन कौन सी हैं आपकी ओशन वेव्स महासागरीय तरंगे नेक्स्ट आपका है टाइड्स जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं और ओशन करंट्स महासागरीय धाराएं एंड ऑल दीज थ्री मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर हम इन तीनों को पढ़ेंगे तो हमने जो बात की बेटा होरिजेंटली छत्तीस तो वो आपके हो गए दो कौन से दो बेटा ओशन वेव्स और ओशन करंट्स ये जो दोनों ही हैं आपकी ये आपकी हॉरिजेंटली मूवमेंट करती हैं मतलब आपके सीधी जाती है मतलब हॉरीजेंटल मोशन ऑफ द ओशन वाटर रेफर्स टू ओशन वेव्स एंड करंट्स ठीक है दोनों को बता रहा है मतलब महासागर ये तरंगे बेटा और महासागर ये धाराएँ है जो हैं ये जो दोनों ही आपकी ये छत्तीस गति करती हैं ठीक है जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल जो आपके हैं वो आपके कौन से हो गए मतलब वर्टिकल जो मोशन है ओशन वाटर का रेफर्स टू टाइट्स वो आपका बताता है किस गति को ऊर्ध्वाधर गति को ज्वार भाटा मतलब ऊर्ध्वाधर गति ऊर्ध्वाधर जो गति है आपकी महासागरी जल की वो ज्वार भाटा से संबंधित है जैसे इस पिक्चर में गया कि इसमें टाइट या आपकी जो वेव्स है वो बहुत ऊँची उठ रही हैं ठीक है ना ऊंची-ऊंची लहरें मतलब ओशन जो फ्लोर है उससे ऊंची लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं तो आपका टाइड है और जब वो हॉरिजेंटली सीधी जा रही हैं आगे की तरफ तो बेटा आपका वो क्या है हॉरिजेंटली मोमेंट है ठीक है टाइड है वो आपका वर्टिकल तो बच्चा जब आप वायुमंडल के अंदर घूम रहे थे एटमॉस्फेयर के अंदर ना अलग अलग रूपों में कभी वाष्पीकरण कभी संघनन ठीक है ना कभी ओलों के रूप में कभी फ्रोस्ट है कभी फोग है कभी वर्षा है अलग अलग अब बेटा आप छोटी छोटी कागज़ के नाव बना लीजिए क्योंकि अब हम किस में तैर रहे हैं हम महासागरों पर ठीक है तो चलिए कल्पना की उड़ान भरते हैं आइए फर्स्ट पर आ जाओ बच्चे ओशन वेव्स ठीक है देखिए वेव्स इन द ओशन वाटर ट्रेवल इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ठीक है ना निश्चित रूप से ये गति करती हैं देखो सबसे पहले हमें ये देखना बेटा आपकी कि ओशन वेव्स आर ओसिलेटरी मूवमेंट्स इन वाटर मैनिफेस्टेड बाय एन अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस राइज मतलब वो ऊपर उठती हैं ठीक है ना और फॉल का मतलब नीचे मतलब जो आपकी तरंगे हैं उनका ऊपर उठना और नीचे ये चलता रहता है एंड वेव्स इन द ओशन वाटर ट्रैवल इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इट इज़ ओनली द वेव विच ट्रेवल फर्दर वाइल द वाटर पार्टिकल्स रिमेन एट द सेम प्लेस इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता जल बल्कि उसमें जो तैरने वाली वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती हुई हमें दिखाई देती है जैसे सपोज करो यदि हम कोई भी तैरने वाली वस्तु है वो अगर हम डाल देते हैं ठीक है ना महासागर या उस जल के अंदर अगर डाल दी जाती है मतलब कोई भी फ्लोटिंग सब्सटेंस जैसे कि आपका कोर्क है या वुडन पीस है या कोई बोल है ठीक है लकड़ी का टुकड़ा है या कोई गेंद है वो हमने उसे फेंक दी तो वह अपने स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे होती रहती है मतलब इट विल मूव अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो ऊपर उठेगी डाउन नीचे होगी या आगे या पीछे ठीक है ना विद द अप्रोचिंग वेव बट विल नॉट ट्रेवल विद इट अनलेस इट इज़ ब्लोन अवे बाई विंड परंतु वो उस जगह से या उस स्थान से ठीक है ना दूसरी जगह आगे हम ये कह रहे हैं आगे बढ़ती हुई तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक कि उसे हवा या आपकी जो पवन है बल ना दे और जैसे ही बेटा आपकी वो तरंग है वो महासागर के दूसरे किनारे या आप ये कहो तट पर पहुंचती है तो उसकी गति कम हो जाती है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ देखो और एक एग्जांपल देती हूँ जैसे आप किसी भी तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकते हो ना उसके बीच में आपने पत्थर डाला तो देखिए जैसे ही आप पत्थर डालते हो तो छोटी छोटी लहरें सी आपको चारों तरफ जहाँ आपने बीच में पत्थर फेंका उसके चारों तरफ दिखाई देती हैं गोल 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 धारा से ठीक है ना जिन्हें हम बेटा रिपल्स या उर्मिकाएँ कहते हैं और फिर आप ये देखते हो तट पर आकर रुक जाती है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो गति है वायु की ठीक है ना वो बढ़ने से इनके आकार में वृद्धि होती है कि अगर आपने पत्थर जोर से फेंका हवा चल रही तो रिप्पल्स है वो बहुत जल्दी फटाफट तट तक आ जाती है और आपका मोमेंट बंद हो जाता है और अगर आपने वो कम गति लगाकर फेंका तो वो रिपल्स हैं जो वो धीरे 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 आपके तट तक आती हैं इसीलिए महासागर जल में तरंगे जो हैं वो कुछ निश्चित दिशाओं में और लंबी दूरियां हैं वो आपकी तय करती हैं ये डिपेंड भी करता है हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ी तरंगे जो हैं वो खुले महासागरों में हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं ठीक है खीके? खुले महासागर मतलब जहाँ कोई रुकावट नहीं आती मतलब डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव द वेव ब्रिक्स द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशंस अब देखिए हमें देखना है कि इसके क्या रीज़न है कॉजिस ऑफ वेव्स कि आपकी जो तरंगे हैं ये कैसे निर्मित होती हैं कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं तो वेव्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन एंड प्रेशर ऑफ विंड्स ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ द सी जो धरातल है ठीक है ना मुख्यतः उस पवन के दबाव और घर्षण के कारण बनती है इसलिए तरंगों का आकार और बल ये सब कई बातों पर निर्भर करता है ठीक है ना जो देखिए हम करने वाले हैं सो so बेटा जी हम बात कर रहे थे कि तरंगों का आकार और बल ठीक है ना मतलब आपकी जो वेव्स थी ठीक है ना उन वेव्स जो हैं उनका साइज और उनका जो फोर्स जो वो डिपेंड करता है थ्री फैक्टर्स पर तीन बातों पर बेटा ये तीन ठीक कर लेना इसमें वो तो तीन बातों पर निर्भर करता है वो तीन क्या थी देखो द वेलोसिटी ऑफ द विंड वेलोसिटी मतलब यहाँ होगा पवन की गति कि वो कितना तेज है वो बह रही है मतलब चल रही है या उसमें मोमेंट है ठीक है सेकेंड है द ड्यूरेशन ऑफ द विंड कितनी देर तक अवधि जो है पवन की वो कितनी है अगर वो बहुत तेज चल रही है ठीक है ना और बहुत देर तक या थोड़ी देर तक ठीक है नेक्स्ट है द डिस्टेंस ओवर विच द विंड कैन ब्लो अनहिंडर्ड अनहिंडर्ड का मतलब बिना रुकावट के कि उसके मार्ग में कोई चट्टान या कुछ नहीं आता ठीक है तो पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी कि वो दूर तक बिना रुकावट के बहती चली जाती है अब अगर ये तीनों एक साथ काम करती है मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द विंड अगर आपकी बहुत तेज हाई है ठीक है ना हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी है वो बहुत तेज है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा लंबे समय तक वो बह रही है और काफ़ी दूर तक हम यही बात करें ना तीनों की तो वेयर द वोटर इज़ डीप द विंड्स आर फास्ट द विंड्स ब्लो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब वेलोसिटी भी फास्ट है और ब्लो ओवर अ लॉन्ग पीरियड एक लंबी अवधि तक वो बह रही है एंड द बॉटम डज नॉट इंटरफेस सॉरी इंटरफेयर विद द अंडुलेटरी मूवमेंट ऑफ द वोटर द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड एंड फुल इसका मतलब आबाद गति से आपकी जो वेव्स हैं वो बनेंगी क्यों क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है ठीक है और गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे से उसको खींचने की कोशिश करता है तरंगों को तो आपके बेटे एक ही दिशा में पवने अगर आपकी चलती हैं और तेज़ गति से चलती हैं लंबे समय तक चलती हैं और निर्विघ्न बनती हैं ठीक है ना तो आपके तरंगों में गति आती है और वो तेज़ गति से आपके तरंगे हैं वो चलती हैं अब जब ऐसा होता है तो आपकी वायु के जल को प्रवाहित तो करती हैं लेकिन गुरुत्वाक्षण बल हैं वो तरंगों के शिखरों को शिखरों का मतलब उसका जो अपर पार्ट है क्योंकि विंड है वो पुश करती है ना पुश द वाटर बॉडीज़ इन इट्स कोर्स कि विंड उसको पुश कर रही है वहाँ पर वाइल ग्रेविटी पोल्स द क्रस्ट ऑफ द वेव डाउनवर्ड क्रस्ट मतलब ऊपर उठा हुआ भाग जो वेव का है वो उसे नीचे की तरफ, तरफ धकेलता है ठीक है थीके? अब देखिए ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींच रही है और आपकी जो विंड है वो उसको वेव को आगे ले जा रही है तो द फॉलिंग वाटर पुश इस द फॉर्मर ट्रफ पहले वाली जो आपकी गर्थ है या ट्रफ है उसको वो ऊपर की तरफ धकेलता है और उसका जो एक्चुअल मोशन होता है वो वाटर का बीनीथ द वेवी सर्कुलर वो गोल बन जाता है जैसा कि आपके इस डायग्राम में दिखाया गया है इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेज एंड डाउन एंड बैक एज इट पासज इससे क्या पता चलता है कि तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है ना राउंड शेप में देखिए और ये इंगित भी करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे और ऊपर की ओर होता है एम लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है जैसे हम जब नाव चलाते हैं तो हम चप्पू है चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और आपकी नाव आगे चलती है देखिए हम इसे समझते हैं बेटा कोशिश करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखिए डायग्राम के अंदर जो नीचे जो आपका पार्ट है बेटा ये ट्रफ कहलाता है इसे गर्द कहा जाता है ठीक है ऊपर जो उभार है ऊपर की तरफ इसे राइस या इसे क्रस्ट कहा जाता है ठीक है क्रस्ट मतलब जो आपका शीर्ष है तो आपका क्रस्ट फालिंग मतलब शीर्ष पतन ठीक है और नीचे जो आपका है ट्रफ राइजिंग इसका मतलब है गर्त और राइजिंग का मतलब है उभार उठना देखो बेटा अब हमने बात की थी गिरता हुआ जल ये गिर रहा है ठीक है ना ये जल पहला वाला गर्त कौन सा हो गया बेटा ये इस गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है ऊपर की ओर धकेल रहा है ना और तरंग नई स्थिति में गति करती है तो तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होगी ना ये वृत्ताकार तो इससे इससे हम क्या समझ रहे हैं कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे हो रहा है और ऊपर की ओर और, और लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर वेल well, बेटा जी लेट अस डिस्कस टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद वेव्स मतलब तरंगों से संबंधित जो शब्द हैं ठीक है ना उस शब्दावली है उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए हमें ये देखना है कि आपके जो वेव्स हैं उसमें ऊपर उठा भाग या नीचे जो हिस्सा है वो या उन दोनों के बीच उसको क्या कहा जाता है तो अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप इसे डायग्राम के साथ समझते हैं देखिए ईच वेव हैज टू पार्ट्स दो भाग होते हैं एक ऊपर उठा हुआ अपर मोस्ट जैसे कि इस डायग्राम के अंदर है आपका अपर मोस्ट पार्ट हमने भी किया था इसे क्रस्ट कहा जाता है तो ऊपर उठा हुआ भाग या अपर मोस्ट पार्ट इज कार्ड क्रस्ट या हिंदी में इसे हम तरंग श्रृंग कहते हैं ठीक है और लोवेस्ट पार्ट जैसे ये नीचे लोवेस्ट पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं ट्रफ या तरंग गर्त कहते हैं ठीक है दो समझ में आ गए ऊपर उठा क्रस्ट बेटा और नीचे वाला आपका तरंग गर्त हो गया ठीक अब नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ़ इज नोन एज मतलब इनके बीच की दूरी कि एक ये क्रस्ट बेटा और एक आपका ये क्रस्ट तो इन दोनों क्रस्ट के बीच की दूरी या अगर आगे ही ऐसे एक और आपके ट्रफ होती है हाँ तो इस ट्रफ और इस ट्रफ के बीच की दूरी ठीक है ना मतलब हम क्या कह रहे हैं कि दो जो आपके ट्रफ हैं या गर्त हैं उन दो गर्तों के बीच की दूरी या फिर दो तरंग श्रृंगों के बीच की दूरी जो है इसे तरंग धैर्य कहा जाता है वेव लेंथ मतलब ये वेव है ना इससे और ये इसकी जो बीच की जो दूरी है इस डिस्टेंस को वेव लेंथ या तरंग धैर्य कहा जाता है ठीक है अब देखिए आपका ये तो हो गया हॉरीजेंटल हम इससे और इस मतलब क्रस्ट से इस क्रस्ट या बेटा इस ट्रफ से इस ट्रफ का बीच का ले रहे हैं अब हमें वर्टिकल भी करना है नीचे से और ऊपर कितनी ऊंची आपकी वो तरंग है ठीक है तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ एंड ए क्रस्ट इज द वेव हाइट ठीक है ना वर्टिकल ये हो गया तो हमें यहाँ पर क्या लेना बेटा कि आपकी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ ये ट्रफ होगी और क्रस्ट होगी ये मतलब ट्रफ़ और जो क्रस्ट है उसके बीच का जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वेव की हाइट मतलब ऊंचाई किसकी ऊंचाई बच्चे तरंग की ऊंचाई कहते हैं ठीक है ये समझ में आया ये वेव लेंथ हो गया ये क्रस्ट हो गए और ये ट्रफ हो गया दो क्रस्ट या दो ट्रफ़ के बीच की उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ और अगर हम वर्टिकल लेते हैं तो आपका ट्रफ़ और क्रस्ट के जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी वेव हाइट कहलाएगी और बेटा आपकी जो वेव हाइट हम ली है ना क्रस्ट और ट्रफ का वर्टिकल डिस्टेंस तो आपका वन हाफ ऑफ द वेव हाइट इज कॉल्ड वेव एम्पलीट्यूड ये भी ध्यान रखना आपको कि तरंग की ऊंचाई के आधे भाग को तरंग आयाम या एम्प्लीट्यूड कहते हैं इसलिए एक सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग आवृत्ति कहा जाता है आवृत्ति मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग वन सेकेंड टाइम इंटरवल इज नॉन एज वेव फ्रिक्वेंसी तो बेटे अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ वेव निकालिए आप ठीक है ना आपको तरंग की गति निकालनी है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे कि वेव लेंथ डिवाइडेड बाई पीरियड तरंग धैर्य या जो वेव लेंथ हमने ली थी वेव लेंथ आपके दो क्रस्ट या दो ट्रफ की जो डिस्टेंस है बीच का तो उस वेव लेंथ को हम डिवाइड कर रहे हैं पीरियड से तरंग का आवृत्त काल से और पीरियड यहाँ पर क्या है कि आपके किसी भी स्थान पर दो जो तरंग हैं कोई भी दो आपके वेव्स जो हैं उनके गुजरने का जो पीरियड है ठीक है ना जो ड्यूरेशन है पास होने की वो जो ड्यूरेशन है उसे आपका वेव पीरियड कहा जाता है या तरंग काल कहा जाता है तो आप वेव लेंथ को डिवाइड करेंगे पीरियड से तो आपका वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा तो बेटे इन्हें ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए